किया थोड़े हरि अम्बा है मेरे ये और दो दो से छोटे। आज तेलिक वैश्य महासभा की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया साई विवाह सम्मेलन का। इसमें सभी जिले से कस्बों से गांवों से जोड़े शामिल हुए हैं। 15 जोड़े जो कि बिल्कुल बालिक जोड़े हैं वो इसमें शामिल हुए हैं और उनके लिए सभी उपहार की व्यवस्था वगैरह बहुत अच्छी यहाँ पे की गई है और यहाँ खाने वगैरह की सब व्यवस्था अच्छी की है। एक सफल आयोजन ये हुआ है और सभी बच्चियाँ भी यहाँ खुश हैं जिनका की विवाह हो रहा है। क्या हर समाज में होने चाहिए? हाँ, ये कार्यक्रम हर समाज में होना चाहिए और इससे सभी परिवार को प्रोत्साहन मिलता है। और मैं तो ये कहूँगी कि अमीर परिवार के लोग भी अपनी बेटियों का और अपने बच्चों का विवाह ऐसे कार्यक्रम में कराए जिससे सभी के उपलब्ध हो और सब अच्छा आगे से आगे बढ़े। लीला साहू, महिला अध्यक्ष। आज श्री तेलिक वैश्य समाज सभा का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ है। इसमें लगभग 15 जोड़े शामिल हुए हैं और इन आज सम्मेलन में जयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, कई गांवों कस्बों से लोग शामिल हुए और आज 9 नंबर पेट्रोल पंप से बिंदोरी का आयोजन किया गया और वहां से लेकर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यह सभा स्थल पर बिंदोरी पहुंची। उसके बाद जो रीति रिवाज के अनुसार कार्य होते हुए हुए और इसमें मेरा यही कहना है कि ये जो सामूहिक विवाह सम्मेलन है एक पूरी ये ऐसे आयोजन आयोजित होते रहने चाहिए क्योंकि कुरीतियाँ समाप्त हो, देश प्रथा समाप्त हो, मृत्यु बोध समाप्त हो और इस तरह के गरीबों को फायदा पहुँचे। सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होने से गरीबों को फायदा पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा हमें। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो धनवान लोग हैं वो भी अपने एक बच्चे की शादी इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में करनी चाहिए जिससे गरीब लोगों का हौसला अफजाई हो। आज हमारे मुख्य अतिथि धर्मेंद्र जी राठौर साहब 1 बजे आने वाले हैं। अनीता बदेल, वासुदेव देवनानी जी, हेमंत भाटी जी, महेंद्र सिंह रलावता जी भी अभी 1 बजे लगभग आएंगे और इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कैलाश जालीवाल, संयोजक, प्रदेश अध्यक्ष साहू समाज। आज हमारे श्री तेलिक वैश्य समाज सभा अजमेर की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के तहत आज 14 जोड़ों की निकासी टोरंटो पैलेस से शुरुआत हुई जो बड़ी धूमधाम के साथ विभिन्न मार्गों से होते हुए आज हमें समाज का भी बड़ा सहयोग मिला। जिस जिस मार्ग से ये बिंदोरी निकली समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर इसकी पुष्प वर्षा की तथा खान पान की व्यवस्था की गई। इसके बाद ये विवाह स्थल पहुंची, निकासी विवाह स्थल पहुंची जहां हिंदी रीति रिवाज के अनुसार ये रीति रिवाज के अनुसार सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाया गया। तोरण, हाँ जी, तोरण की व्यवस्था भी यहीं की गई थी। और मैं तो यही कहता हूँ कि हर समाज को इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और सभी समाज को इस तरह के आयोजन करने चाहिए। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने यह कहा था कि ऐसे आयोजनों के लिए जो धनाढ़ अमीर वर्ग के लोग हैं उन्हें भी अपने बच्चों का एक एक जोड़ा ऐसे वर्ग में देना चाहिए जिससे कि गरीब लोगों का हौसला अफजाई हो। मैं गोपाल असरवा, सचिव श्री तेलिक वैश्य समाज सभा अजमेर। आज तेलिक वैश्य समाज सभा का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ है जिसमें 14 जोड़े हुए हैं। इस सम्मेलन में हमने बढ़ चढ़कर समाज बंधुओं को बुलाया था और अच्छे से अच्छा उपहार में उनको लगभग 50,000 से ज़्यादा का उपहार दिया है। इस सम्मेलन में हमारे संयोजक और संरक्षक श्री कैलाश जी जालीवाल का मार्गदर्शन रहा और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सम्मेलन हो रहा है। कहाँ से बारात उठी? बारात है जयपुर है, मोजबाबाद है, भीलवाड़ा है और अजमेर के पूरे जिले से, चित्तौड़, जयपुर, सभी से बारातें आई है और सभी लोग इस सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं। आपका नाम? बाबूलाल साहू।